गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो आपकी स्किन को यूथफुल तो बनाएगी, साथ ही आपके झाइया और झुर्रियों की प्रॉब्लम दोनों ही रिमूव आउट कर देगी। देखिए, जैसे कि अब विंटर है तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची हो जाती है, कैड़ी हो जाती है स्किन, आपने देखा होगा ब्लैकनेस आ जाती है। जैसे जैसे हवा चलेगी स्किन फटेगी, फटने के बाद उसमें ब्लैकनेस आ जाएगी, वो सारी आपकी रिमूव आउट हो जाएगी। और आप इस रेमेडी को जब कंटिन्यूस लगाएंगे आप खुद पहली बार से ही इफेक्ट देखेंगे, आपकी स्किन जो है चिकनी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। और आपकी अगर झाइयों की प्रॉब्लम है चेहरे के ऊपर, बहुत से अराउंड यहाँ माउथ हो जाते हैं, अराउंड आई एरिया होता है झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी आपकी रिमूव आउट इस रेमेडी से हो जाएगी और झुर्रियां भी आपकी इसी से ही रिमूव आउट हो जाएंगी। तो दो तरीके से लगाना बताऊंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर से प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले एक खाली कंटेनर से एक बॉयल ले लीजिए। आप फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो डालना होगा वो है ग्रेसलीन। देखिए, ग्रेसलीन हमारी स्किन को बहुत ज्यादा यूथफुल बना देता है। मॉइस्चराइजर की कमी, जैसे कि विंटर्स हैं, विंटर में चाहे किसी की भी ऑयली स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, किसी भी टाइप की स्किन हो, उसको जो है अगर आप ग्रेसलीन का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो अंदर तक मॉइस्चराइजर, हमारी जो लेयर होती है स्किन के अंदर, वहां तक मॉइस्चराइजर पहुंचता है, स्किन चिकनी हो जाती है, स्किन में डलनेस हमारी रिमूव हो जाती है। तो हम लेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे ग्रेसलीन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले ली है ग्रेसलीन और यहाँ पे डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब ग्रेसलीन। इस तरीके से ही मैं जो है देखिएगा डाल दे रही हूँ। ये देखिएगा 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ग्रेसलीन ले ली। इसको रेमेडी को मैं जो है बनाकर स्टोर करके रखने वाली हूँ, तो आप इसे कूल प्लेस पर रखकर स्टोर कर सकते हैं। और दो तरीके से बताऊंगी। तो रोज वाटर, और रोज वाटर को हमें जो है इसमें अगर हमने 1 चम्मच ग्रेसलीन ली है तो 3 चम्मच के करीब हमें रोज वाटर डालना है, क्योंकि ग्रेसलीन बहुत ज्यादा गर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। रोज वाटर आपको 3 चम्मच के करीब ही ऐड करना है। इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ, आप जो है स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा मैंने इस तरीके से डाल दिया है। और अब जो हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट डालना होगा वो है देखिएगा लेमन, और लेमन का जूस हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। आप यहाँ पे लेमन का जूस इस तरीके से 1/2 टेबल स्पून के करीब इस तरीके से डालिए। अब देखिएगा, अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रखते हैं आप, तो इसके अंदर आपको डाल लेना है एलोवेरा जेल। आपको फ्रेश वाला नहीं लेना है, क्योंकि हम इसे जो है स्टोर करके बनाकर रख रहे हैं, तो आपको डालना है मार्केट वाला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल और आपको इसमें 1 टेबल स्पून डाल देना है, और टाइप स्किन वाले डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा 1 चम्मच के करीब मैं इसे लूंगी और ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को चिकना कर देगा, यूथफुल कर देगा। अब देखिएगा, अब मैं बताती हूँ जिन लोगों के भी झाइयां हैं यानी कि पिगमेंटेशन के निशान है उसे किस तरीके से बनाना है। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये देखिएगा ये मिक्स हो चुकी है। जैसे जैसे इसमें एलोवेरा जेल मिक्स होगा ये गाढ़ी हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जिस तरीके की थी ये अब बनकर रेडी हो गई है। अब आपको मैं लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपको इसके अंदर डालना है, जैसे कि आपने इसे बना लिया, बनाकर मिक्स करके आप इसे कूल प्लेस पर उठाकर रख दीजिए। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो आपको लेना है इसका 1 चम्मच इस तरीके से, और इसमें डालना है यानी कि 2 से 3 ड्रॉप के करीब शहद, और शहद डालकर मिक्स करके अपने फेस में इसे अप्लाई करना है। ओवरनाइट छोड़ना है, मॉर्निंग में आपको जो है नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश कर लेना है। इस तरीके से आप डेली करेंगे, आपके चेहरे की जितनी भी झाइयां होंगी वो सारी रिमूव आउट हो जाएंगी। अब देखिएगा, झुर्रियों के लिए बता देती हूँ, अगर आपके फेस में झुर्रियों की शिकायत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल के डालिए, यानी कि 1 चम्मच आपको ये ले लेना है और 2 से 3 ड्रॉप आपको लेने हैं आलमंड ऑयल के, यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज तो करता है, साथ ही हमारी लटकी हुई स्किन को टाइट कर देता है। तो आपको इसमें नहीं मिक्स करना है, जब आपको लेना हो तभी आपको इसमें डालकर तुरंत ही अपने फेस पे अप्लाई करना है। मेरे फेस में इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी और मैं लूंगी इसे अपने फेस के अकॉर्डिंग। आप जो है कॉटन की हेल्प से भी ले सकते हैं या ब्रश की हेल्प से, तो मैं अपने हैंड में ही ले लेती हूँ इसे। इसको ले लिया और इस तरीके से ये देखिएगा मेरे हैंड पे आ चुका है ये पूरी तरीके से, ये देखिएगा। और अपने फेस में सोने से पहले आपको क्लीन फेस में इस तरीके से अपने पूरे फेस में इसे अप्लाई करना है। सिर्फ एक, आप देखेंगे इतनी ज्यादा जो है आपकी चमक आ जाएगी फेस में, बिल्कुल आपके जितनी भी डलनेस थी आपकी स्किन एकदम ब्राइटर हो जाएगी, स्मूथ आपकी स्किन हो जाएगी। और जिनके भी झाइयों की प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैंने बता दिया है, जिनके झुर्रियों की प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैंने शेयर कर दिया है। और अगर आपके दाने हैं यानी कि फेस पे आपके दाने हो जाते हैं, काफी लोगों के फेस में बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा एक बार आपको चंदन डाल लेना है, यानी कि चंदन जो होता है हमारी स्किन को ब्राइटर भी करता है और हमारे जो धब्बे हो जाते हैं दानों वाले उनको दूर कर देता है। इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट अपने फेस में इस तरीके से लगा दीजिए, इसे लगाकर अच्छे से आपको फेस को इस तरीके से छोड़ देना है। ये देखिएगा मेरी स्किन कितनी ज्यादा आप देख रहे हैं, एकदम से ब्राइट हो गई, बहुत ज्यादा स्किन मेरी ब्राइट हो चुकी है और मेरी मॉइस्चराइज हो गई है,
बहुत अच्छे से, मैं जब इसे सुबह मॉर्निंग में उठूंगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी मेरी स्किन। तो देखिए इस तरीके से आपको छोड़ देना लगा के, डेली आपको इस्तेमाल करना है और रिजल्ट आप मुझसे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।